Hey guys, what's up? Welcome back to another video. लेके आ चुके तुम लोगों के लिए एक और बेहतरीन वीडियो भाई साहब। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चीनी बॉडी 7 के बारे में। भाई साहब मेरा फेवरेट बंदा है जो कि अभी के लिए, हाँ माना कि कोलैब्स कर रहा है, सिंगल्स नहीं लेके आ रहा है, लेकिन जो कोलैब में उसका जो पार्ट रहता है ना, यानी कि रैपिंग वाला पार्ट, भाई नेक्स्ट लेवल है। हर एक गाने में बूमते बाम मारता है। तो यार सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं जीडी 47 के बायोग्राफी के बारे में, यानी कि नाम, जगह, कहाँ पे पैदा वैदा हुआ, वो सब चीजें हम लोग बात कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। तो जीडी 47 का रियल नेम जो है वो गुरदीप सिंह है। गुरदीप का जो जी है वो गुरु से आया है और दीप डी से आया है, यानी कि जीडी, और 47 जो आया है वो AK-47 से, यानी कि 8th AK-47 से 47 लिया है इन्होंने, और इसके ऊपर उन्होंने हसल के अंदर गाना भी गाया था 47 करके। तो अगर हम लोग बात करें इनके डेट ऑफ बर्थ की या फिर एज की, तो ये दोनों के दोनों अनोन है भाई साहब। मतलब इतने सारे वेबसाइट देख लिए, इतने सारी जगहों पे मैंने रिसर्च कर ली, लेकिन ये चीज़ हमको नहीं देखने को मिली कि वो कितनी एज के हैं या फिर उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कब है, कैसा मतलब बर्थडे वगैरह रहता है। तो ये तो चीज़ें हम लोग को पता नहीं है, पर फिर भी अगर हम लोग बात करें कि इनका जो बॉर्न है, यानी कि जो मतलब लोकेलिटी होती है ना, वो हम लोग को पंजाब देखने को मिल रहा है। तो मतलब इतनी चीज थी उनके जो पर्सनल लाइफ के बारे में हम लोग को पता है। तो हसल के पहले का सीन इनका बहुत ही ज्यादा अजीबन था, और इसके अंदर हम लोग अगर बात करें तो हसल के पहले जब ये स्टार्ट करे थे अपना म्यूजिक करियर, तो उतनी चीजें सही नहीं गई थी जिस तरीके से जीडी भाई ने सोची होंगी, क्योंकि यार सब चाहते हैं कि उनका जो ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से हो, जिस तरीके से वो उस पर काम कर रहे हैं, यानी कि जीडी 47 की जो लिखाई है, यानी कि राइटिंग स्किल्स हैं, वो स्टार्टिंग से टॉप नॉच है। लेकिन उस टाइम पे ना ही फेम था, ना ही उनके पास कोई ऐसा सपोर्टिंग था जिससे कि वो आगे बढ़ सके, लेकिन फाइनली जब हसल आया तो उसके बाद से तो उनका चेंज ही हो गया सब कुछ। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि हसल से पहले का क्या सीन था, तो उन्होंने सबसे पहला ड्रॉप किया था 2015 में, मतलब सबसे पहला जो म्यूजिक था वो हम लोग को 2015 में देखने को मिला इनके खुद के यूट्यूब चैनल पे। वो एक ट्रिब्यूट था, और गाना भी नहीं कह सकते हैं उसे, एक तरीके से कह लो कि स्टोरी टेलिंग था। इसी के कुछ दिनों बाद इन्होंने एक और ड्रॉप किया था सुपर सिंगर फ्लो। भाई साहब क्या ही फ्लो है भाई, उसमें नेक्स्ट लेवल राइटिंग है, नेक्स्ट लेवल फ्लो है, और जो म्यूजिक वीडियो है ना, उस टाइम के हिसाब से मेरे को बहुत ही अच्छा देखने को मिला। बहुत सारे लोग इस समय वैसा नहीं बना रहे, समझ रहे हो। हाँ क्वालिटी लो थी, क्योंकि उस टाइम पे कैमरा उतने हाईटेक नहीं थे, लेकिन अगर कैमरे हाईटेक होते ना, तो इस समय का अगर जो हम लोगों को देखने को मिलता है ना म्यूजिक वीडियो हिप हॉप आर्टिस्ट का, वो भी एक ऐसा हिप हॉप आर्टिस्ट जो कि स्टार्टिंग डेज में स्टार्टिंग पे है, और मतलब उतना ज़्यादा उसके पास है नहीं चीज़ें जिससे कि वो अच्छा म्यूजिक वीडियो बना सके, लेकिन फिर भी उसने भाई नेक्स्ट लेवल काम किया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद उनका बहुत सारे ड्रॉप आते हैं, लेकिन वो जो होता नहीं है कि हाँ भाई हो नहीं रहा है, वो देखने को मिला था, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉप देने के बाद भी उनके व्यूज़ जो हैं वो उस टाइम पे नहीं आते थे। और अभी भी अगर हम लोग बात करें तो जी टी 47 के खुद के चैनल पे उतने अच्छे व्यूज़ नहीं है। मेरे को बहुत सारे गाने अच्छे लगे, 2-3 गाने तो ऐसे हैं जो कि मेरे माइंड में स्टक हो जाते हैं। एक सनक नाम का गाना है जो कि तुम लोग सुन सकते हो थोड़ा सा पार्ट। अब नेक्स्ट लेवल है ये गाना, लेकिन फिर भी इसके ऊपर उतने व्यूज नहीं है। पर जो भी है, अब जब फेम मिला है तो उसके बाद शायद से अगर ये वाला गाना जो अभी आपने सुना सनक वाला, अगर ये वापस से वो डालते हैं ना भाई, ले लो मिलियंस में व्यू आएंगे, और ये गाना जो है वो पार्टी सॉन्ग टाइप में है, तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है तुम लोगों को, अगर ऐसा हुआ तो। वैसे नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि हसल के बाद का क्या सीन है, और हसल के पहले वो आप लोगों को पता होगा कि जब हसल नहीं था उससे पहले वो डिप्रेशन में चले गए थे, और उन्होंने हसल के अंदर आने के बाद ब्रेन फ्रीज नाम का गाना डाला, जो कि उनका बताता है कि हाँ कैसे वो अपना ब्रेन फ्रीज हो गया था, उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। उसी के ऊपर उन्होंने गाना भी लिखा था ब्रेन फ्रीज, जो कि वन ऑफ द बेस्ट गाना है उनके 2.2 की जर्नी में। और ब्रेन फ्रीज के बाद उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे गाने हसल के ऊपर ट्राई किए, जैसे POV हो गया और शो टाइम हो गया। शो टाइम इज़ वन ऑफ द बेस्ट एवर, जो कि उनके व्यूज़ के मामले में भी सबसे ऊपर है और पॉपुलैरिटी के मामले में भी है, क्योंकि यार उसको
बड़े बड़े लोग जैसे कि विराट कोहली हो गया या फिर आयुष्मान खुराना हो गया, इन सब लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट वगैरह किया और अभी के लिए बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग उनको फॉलो भी करते हैं जैसे परमिश वर्मा वगैरह वगैरह। तो वो चीज़ हम लोग को उस टाइम से देखने को मिली। और इसके बाद के मतलब जो हसल है उसके बाद, हसल में तो चलो वो सेमीफाइनलिस्ट नहीं बन पाए, उससे पहले एलिमिनेट हो गए थे नैस के अगेंस्ट, हाँ नैस था एलिमिनेशन उसमें फेज में आ गए थे और एलिमिनेट हो गए थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो भाई फ्लो निकाला अपना और जो कोलैब्स किए भाई नेक्स्ट लेवल। हसल 2.2 के बाद सबसे पहला जो कोलैब था वो एग्जी के साथ था जो कि हसल 1 के अंदर हम लोगों को देखने को मिली थी। बी लाइक डैड के अंदर जो ब्रेन फ्रीज नाम का मतलब जो फ्लो था ना स्टार्टिंग में, बोल बैठा सी मैं दुनिया ब्रेन फ्रीज च मैं घूमया, पुछदा नहीं सी कोई पहला हुण गाना मेरा सब ने सुनया, जितना भी जीऊंगा हक से खाऊंगा बूमरैंग जैसे वापस मैं आऊंगा, चला भी जाऊं तो कोई चक्कर नहीं जाने के बाद भी कोई टक्कर। तो एग्जी के साथ उतने ज्यादा अच्छे तो व्यूज नहीं आए, लेकिन अगर हम लोग बात करें इसके बाद सबको पता चल गया था कि कितनी अच्छी कैपेबिलिटी है GD47 की और क्या राइटिंग है उनकी और किस तरीके से वो लिख सकते हैं अगर उनको थोड़ा टाइम दिया जाए। और जैसा कि आप सबको पता है कि इसके बाद उनके बहुत ही बड़े बड़े कोलैब्स देखने को मिले और उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा कोलैब हम लोग को देखने को मिलता है परमिश वर्मा के साथ नो रीज़न। भाई साहब नो रीज़न के ऊपर अभी के लिए 11 मिलियन व्यूज़ हैं जिसके अंदर हम लोगों को GD47 का जो रैप सीन है वो हम लोगों को नेक्स्ट लेवल देखने को मिलता है और भाई साहब वो माइंड में स्टक हो जाता है, वो जितनी एनर्जी और जो वाइब हम लोगों को देखने को मिलती है GD47 की तरफ से वो भाई साहब नेक्स्ट लेवल है। बदनाम मेरा नाम है कद दा किट करा के जो फिट जीप दे विच गड्डी ते काम है ओदो नहीं चक के रखदा ते दा फक ना टीवी ते आया मैं एदा ही पग ना पावे मैं होवांगा लखा ही माड़ा पर किसे दे पैसे ते नड्डी ते हक नहीं रखदा। जो भी मतलब अभी तक कोलैब्स आए हैं, अभी तक 4 कोलैब्स आए हैं जिसमें सबसे पहला तो एग्जी के साथ हो गया, फिर परमिश वर्मा के साथ, फिर प्रिंस नरूला के साथ आउटर रीच आया था आई गेस, हाँ उसके अंदर भी बहुत ही अच्छा मतलब भाई साहब वो एकदम भाई भी फीचर भाई नेक्स्ट लेवल, मतलब जो इनका मतलब होता नहीं कि स्क्रीन प्रेजेंस कितना होता है वो जितनी देर के लिए आते हैं भाई पूरा स्क्रीन प्रेजेंस जो है वो अपने अंडर में कर लेते हैं, मजा आता है सुनने में और देखने में भी। बदलता टाइम मैं बदलती गड्डी कटते वैम मैं बदलती नड्डी गेम या वड्डी हुन पैसा या वड्डा लेवल ले चेंज गिनदे ने नोट मैं यारा दे उते उड़ाते ने लखा हूं धूड़ा मैं पट्टा। एंड रिसेंटली पता चला है कि जो ब्लडी डैडी शाहिद कपूर की नई मूवी आने वाली है जो OTT पर रिलीज होगी तो उसके अंदर भी हम लोग को GD47 का बहुत ही तगड़ा सॉन्ग टेप देखने को मिलेगा या फिर कुछ तो पार्ट रहेगा GD47 की तरफ से जो कि इस पूरे के पूरे फिल्म में देखने को मिल सकता है। तो गाइस अभी तक वीडियो कैसी लगी जरूर से बताना और इसके बाद हमको लग रहा है ऐसा कि हाँ सिंगल्स भी बहुत जल्दी हम लोग को देखने को मिलने वाला है GD47 की तरफ से और मुझे ऐसा लगता है कि GD47 जब भी सिंगल्स लाते हैं वो शायद से अपने चैनल पर ना लाए पर हाँ उनके साथ कोई ना कोई ऐसा मतलब लेबल या फिर जैसे टी सीरीज वगैरह है या फिर मतलब जी म्यूजिक कंपनी वगैरह वगैरह जो सपोर्ट करती हैं बहुत तेज तरीके से वो शायद से हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लोग को कोई भी हिंट वगैरह है या फिर कोई भी इसके रिलेटेड यानी कि GD47 पाजी के रिलेटेड कोई भी चीज़ हो जो कि कमेंट में तुम लोग बताना चाहते हो तो बता देना और मिलता तुमसे ऐसी बेहतरीन अगली वीडियो में। और जल्दी से बताओ कि अगली वीडियो किसके पर होने वाली हो क्योंकि जितने भी कंसिस्टेंट कंटेस्टेंट हैं उन सबके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ हसल 2.0 के और उनका बिफोर आफ्टर बताने वाला हूँ इस पूरे के पूरे सीरीज में। तो मिलता है तुमसे ऐसी बेहतरीन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।